www.attableek.com, the reviver of Iman. इतना मखनून है हजरत मौलाना मोहम्मद जीना के वसाइल से जो कल की कैफियत है मैं बयान नहीं कर सकता, और आप हजरात का जो हाल है वो आया है। लेकिन अल्लाह मर्जी पर राजी रहना, अल्लाह के फैसले पर राजी रहना मोमिन की शान ही, ये तो मौत अटल हकीकत है। उसका वक्त अल्लाह ताला ने मुकर्रर कर दिया है, वह सखदून अनुकुम सातम वला यस्ताखिरून। ये ईमान का कमाल यही है कि बंदा अल्लाह की मर्जी पर राजी रहे, अल्लाह का फैसला जो उस पर राजी रहे, और हालात जो पेश आते हैं वो सब अल्लाह पाक की तरफ से आते हैं। अपनी मर्जी को, अपनी राय को, अपनी चाहत को, पसंद को छोड़ देना है और अल्लाह की मर्जी में फानी होना है, ये ईमान वालों की आजमाइश होती है। अल्लाह ताला आजमाते हैं, देखते हैं, फरमाते हैं अलिफ्लाम मीम हसबन्नास अन युतरकु अन यकूलु आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। इतने कहने पर छोड़ दिया तो आमन्ना, आजमाइश न हो, जांचे न जाए, देखे न जाए। आजमाइश होती ईमान वालों, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। हाँ भाई, दुनिया में आजमाइश करते हैं अल्लाह ताला, खौफ से, भूख से, जानों के नुकसान से, मालों के नुकसान से, फलों के नुकसान से, फिर जो पर सब्र करते हैं उनके लिए खुशखबरी है बशरी साबिरीन। ये और सब्र जो है वो तल को घूंट को पी लेना है। अल्लज़ीन इज़ा असाबत हम मुसीबत क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, वो लोग हैं जो उनको खुशियत कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दो चीज़ें हैं, एक तो सब्र और एक शुक्र। बंदा अल्लाह की तरफ बढ़ता है और तरक्की करता है तो सब्र करता है। ऐसे हालात पेश आते हैं, बीमारी, आजारी, मुसीबत, फकर फाका, तंगी, जानों को नुकसान, मालों को नुकसान, फलों का नुकसान, तो उस पर राजी रहता है और सब्र करता है। इसी तरीके से वक्त पूरा हो गया, अल्लाह का फैसला था वो अल्लाह ताला ने कर दिया। हम लोग भी दुनिया में, ये दुनिया फानी है और मिल जाने वाली है, चंद रोज का जिंदगी ये है, हर शख्स को मौत का जायका चखना है। देखना ये है कि हम अल्लाह की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजार रहे हैं या नहीं गुजार रहे हैं, और बंदा कितनी ही इबादत करे, कितनी ही वजीफा पढ़े, तस्बीह पढ़े, बेशक बहुत उमदा चीज है, लेकिन जब तक अल्लाह की तकदीर पर राजी ना हो उस वक्त तक ईमान की हयावत और लज्जत कैफियत से महरूम है। और अल्लाह ताला पर ईमान कामिल उसी वक्त होगा जब अल्लाह की तकदीर पर बंदा राजी हो जाए, जो अल्लाह का फैसला है उस पर राजी हो जाए। हाँ, तबाही गम और सदमा ये तो खैर होता ही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादे इब्राहिम अलैहि सलाम का जब विसाल हुआ तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक आंसू जारी हो गए, तो लोगों को ताजुब आ गया कि अल्लाह रसूल आपके लिए आंसू फरमा गए, शक उसका हक है और रहना चाहिए। आंसू जारी हो जाना बहुत सारे, हाँ जगह होगा सतवा शिकायत, ये बेशक ईमान के खिलाफ है। और आप हजरात के सामने मैं क्या बात करूं, अल्हम्दुलिल्लाह ईमान से, अमल से, इल्म से आप लोग माला माल हैं। मैं जो फकीर आदमी हूं, हजरत मौलाना का करम और उनकी मोहब्बत और शफकत है कि मुझे ऐसे फकीर से मोहब्बत इतना फरमाते हैं कि जो मैं उसको बयान ही नहीं कर सकता। हाँ, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के, उनकी मैयत एक खासा है। जो लोग सब्र करते हैं, और सब्र का मकाम वही है जब मुसीबत आए शुरू शुरू में जो हाल होता है उस पर साबित कदम रहा, सब्र करे, अल्लाह ताला की मैयत उसको नसीब होती है, अल्लाह उसे राजी होते हैं। अल्लाह के फैसले पर जो राजी रहता है अल्लाह उसे राजी होते हैं। रजीना जो कजा इल्ला, अल्लाह की कजा पर, अल्लाह की मर्जी पर राजी रहना यही बड़ा मकाम है। और अब्दियत और गुलामी की शान भी यही है कि जो अल्लाह की तरफ से फैसला हो उस बंदा राजी रहे।
यह तो गम होना प्रत्येक बात है, गम होता है, आंसू निकल आते हैं, याद आती है, इंसान तड़पता है। याद रखिए कयामत के दिन जिनको मुसीबत दुनिया में दी गई थी और उनके दर्जात जब बुलंद होंगे, ऐसी ऐसी हमको नेमतें जन्नत में मिलेंगी, तो लोग तमन्ना करेंगे काश हमारा जिसमें अपराध से काटा जाता ये दर्जात हमको भी नसीब होते, नेमतें हमको भी मिलती। तो ये सब्र बड़ी चीज है, सब्र जो है इनमा जो फसारून अजर हम बगैर हिसाब। अल्लाह अकबर, कुरान करीम में वो हलावत है, वो लज्जत है, वो कैफियत है, जिस पर गुजरे वही समझ सकता है। ईमानी हलावत जिसको नसीब हो जाए वही समझ सकता है कि अल्लाह की मर्जी पर राजी रहने में, और यही बड़ी चीज है। अल्लाह ताला ने हजरत सहाबा रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन को दुनिया ही में बशारत की खुशखबरी सुना दिया, रज़ियल्लाहु अन्हुम वरज़ू अन्हु, अल्लाह से वो राजी और अल्लाह ताला उनसे राजी। तो अल्लाह का राजी करना जो है मकसूद, मकसूद आजम है अल्लाह ताला की मर्जी पर बंदा राजी रहे, अल्लाह की मर्जी पर राजी रहे, अल्लाह की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारे, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारे, और अपनी मर्जी को छोड़ दे, अपनी राय को छोड़ दे, अपनी चाहत पसंद को छोड़ दे, अल्लाह की मर्जी पर राजी रहे। ये एक बहुत बड़ा हादसा है, वाकई दी हजा देने वाला है, लेकिन फिर भी अल्लाह की मर्जी पर राजी रहना है। जो कुछ अल्लाह ताला का फैसला था वो हो चुका। मैं तो दिल से दुआ करता हूँ, इस वक्त बोलने के काबिल भी नहीं हूँ, दिल बहुत ही मखमूम है, लेकिन मैं यही कह रहा हूँ कि अल्लाह ताला आपको और हमको सबको सब अता फरमाए, और सब बहुत बड़ी चीज। इन्नल्लाह माज सारुरी, मामूली बात नहीं है। इन्नल्लाह सब्र अजहुम बगैर हिसाब, सब्र। फरिश्ते जो है वो नूरी मखलूक है, तस्वीर तकदीस करते हैं, लातियात में लगे रहते हैं, लेकिन वो नहीं जानते कि सब्र क्या चीज है और शुक्र क्या चीज है, मुसीबत क्या चीज है और बड़ा क्या चीज है। बड़ा मुसीबत अंबिया के लिए, फिर अवलिया के लिए, फिर जो उनके तरीके पर चलने वाले उनके लिए बड़ा मुसीबत आजमाइश। तो ईमान का दावा जो करते हैं तो ऐसे नहीं मान लिया जाता, बल्कि उनकी आजमाइश भी होती है, देखा जाता है, अल्लाह देखता है, अल्लाह ताला मुसीबत डाल देते हैं अल्लाह ताला, और उसमें भी कोई भी हाल हो अल्लाह ताला की मर्जी वो बंदा राजी है, और अल्लाह का बंदा जो है वो अल्लाह की मर्जी पर राजी है। और जब नाम हो और नेमतें उनके बेशुमार नेमतें, इंसान शुमार कर ही नहीं सकता, इन तरह नेमत अल्लाह तो सुबह इनमें इंसान है लहूमन कफ्फार, अल्लाह के बेशुमार नेमतें हैं। सबसे बड़ी नेमत हमको ईमान की दौलत मिली है, हमारे जुबान पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह जारी फरमाया है, ईमान की दौलत मिली है, इससे बढ़कर कोई दौलत नहीं। तो हमको मुसलमान बनाया, हमको किताब कुरान मजीद दी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत ने हमको पैदा किया और बनाया, आपकी हदीस मौजूद है, अल्लाह की किताब मौजूद है, उसकी तिलावत करके उसकी हयात हासिल करें और अपने कल्ब को पाक करें अल्लाह के जिक्र से और अल्लाह की याद से, अल्लाह की सोबत में बैठ कर अपने कुलूब का तज़किया करें। आपके गम में हमारा ही गम है, आपकी मसरत हमारी मसरत है, हमको वो दिल लगाव है, मेरे दिल को अजीब कैफियत है, मेरा दिल बहुत ही गमगीन है इस बातें से, लेकिन अल्लाह की मर्जी पर राजी रहना भाई इसी के सिवा क्या। हाँ यही एक अब्दियत और गुलामी है कि बंदा अल्लाह की मर्जी पर राजी रहे और सब्र करे। साबरीन का दर्जा बहुत है, उनको हिसाब भेजने भी मिलता है, हिसाब देने लगता है, जीवन बगैर हिसाब बेशुमार, तो इसका शुमारी नहीं करता सकता। इसलिए अल्लाह तबारा को ताला का जो फैसला था, जो अल्लाह की मर्जी थी, वो तो होकर रहा। अब हमको और आप सभी को अल्लाह ताला सब्र की तौफीक अता फरमाए, और सब्र जमील फसबरन जमील सब्र जमील अता फरमाए, और अपनी मर्जी पर हमको राजी रहने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह के जिक्र में रहें और उनकी रूह को उनकी पाक रूह को इशारे सवाब करें। मैंने भी किया और करता हूँ और करूँगा इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि सबसे बड़ी इनके साथ भलाई यही है कि मरहूम जो हों उनके लिए यही भलाई है कि कुरान मजीद पढ़कर उनको इशारे सवाब करें, कलमा मुबारक पढ़कर इशारे सवाब करें, अल्लाह का जिक्र करके उनको सवाब पहुँचाएं। ये बहुत बड़ी बात है, सबसे बड़ी खैर खाई भलाई यही है कि हम उनके लिए कुछ इशारे सवाब भी करते हैं, जो कुछ भी हो सके कुरान पाक पढ़ करके, दुरूद शरीफ पढ़ के, कलमा पढ़ करके, अल्लाह का जिक्र करके और सवाब पहुँचाए उनको। ये बहुत बड़ी चीज है, इससे उनके दर्जा बुलंद होते हैं, और अगर लकड़ी से कुछ खतर होती है तो अल्लाह माफ फरमा देते हैं। इसलिए अल्लाह की तौफीक हो तो हम लोग उनके लिए इशारे सवाब करें, और सबसे बड़ी भलाई यही है, सबसे बड़ा काम यही है कि इशारे सवाब करें, और अल्लाह के लिए हम
जो कुछ भी करें वो हमें अल्लाह ही के लिए करें, उसमें नफ्स की आमेजिश न हो, मखलूक की आमेजिश न हो, दिखलावा न हो, जो भी हमारा अमल हो वो अल्लाह ही के लिए हो, अल्लाह के फैसले पर हम राजी रहें। कुरान मजीद अल्लाह के मुकद्दस हमारी किताब है, इसको पढ़ें। जब तबीयत में कोई ऐसी कैफियत पैदा हो बस अल्लाह की किताब की तिलावत में लगना है, दुरूद शरीफ पढ़ें, दिल को तसल्ली होती है और अल्लाह के जिक्र से कल्ब को चैन और सुकून होता है। इसी चीज से कल्ब को सुकून और आदमी الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب خبردار رہو اللہ کے ذکر سے قلوب کو چین حاصل ہوتا ہے۔ اللہ کا ذکر جو ہے وہ بڑی نعمت ہے، اللہ کے ذکر سے قلوب کو چین حاصل ہوتا ہے، سکون ملتا ہے۔ اللہ کے ذکر میں رہیں، اللہ تعالیٰ کی یاد میں رہیں، ایک ساتھ بھی ہماری ضائع نہ ہو۔ اہل اللہ تو ہر ساتھ کی نگرانی کرتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں، کوئی ساتھ ضائع نہ ہو۔ اور دنیا میں حدیث کے اندر آتا ہے کہ اگر مامے معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں کیا سامان تیار کر رکھا ہے ایمان والوں کے لیے اور عمل کرنے والوں کے لیے، وہ مقام وہ نعمتیں ہیں کہ اگر معلوم ہو جائے لوگ دنیا میں رہ پسند نہ کریں۔ یہ دنیا چند روزہ ہے، چند دن کی بہار ہے، مر جانے والی ہے، فنا ہو جانے والی ہے، ہم سب کو وہیں جانا ہے۔ تو بچے تھوڑے، یہ تو ایک اٹل حقیقت ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اللہ کا فیصلہ ہے۔ تو ہر شخص، ہاں مگر یہ کہ جو شخص اللہ کی یاد کرے، اللہ کا ذکر کرے، اللہ کلام کتاب پڑھے، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے، عمل صالح کرے، سبحان اللہ کیا کہنا ہے، اس کی موت رہتی۔ میرا ایک شعر ہے کہ زندگی کسے کہتے، کس چیز کہتے ہیں؟ کیا کھانے پینے کا نام زندگی نہیں؟ زندگی تو نام ہے اطاعت کا، زندگی نام ہے اطاعت کا، اور غفلت کا نام ہے مرنا۔ مرت ہوتی ہے زندگی حاصل، ایسے مرنے کی تم دعا کر۔ زندگی نام ہے اطاعت کا، اللہ کی فرما برداری کا، اللہ تعالیٰ کے حکم برمائی کرنے کا نام ہے۔ تو حقیقی زندگی ہے کہ دنیا کی زندگی، سڑی سڑی زندگی کس کام کی؟ یہاں تو غم بھی ہے، مصیبت بھی ہے، بیماری بھی ہے، تکلیف بھی ہے، سبھی کچھ ہے، لیکن جنت کی زندگی کیسی زندگی؟ حیات طیبہ، وہ جنت کی زندگی وہ ایسی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں کہ نہ کسی کان نے سنا، نہ آنکھ نے دیکھا، نہ دل میں خطرہ گزرا۔ جنت کی طلب جس کے اندر ہے، اصل چیز ہے جنت، اور ساری زندگی اسی کوشش کرنا چاہیے اور اس عمل میں لگا رہنا چاہیے، اور اخلاص و خلوص سے اللہ کی یاد کرنا چاہیے، اللہ کے دین کی خدمت کرنا چاہیے کہ اللہ حاضر ہو جائے اور اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرما دے۔ فمن زحزح عن النار ودخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور، جو جہنم سے بچا لیا قیامت دن اور جنت میں داخل کیا، بس وہی کامیاب و بامراد ہے۔ دنیا کی کامیابی، دنیا کا عیش چند روز کا فانی، اور دنیا کی کامیابی جو بھی فانی میں جانے والے، اصل کامیابی تو یہ ہے کہ قیامت کے دن جہنم سے بچا لیا جائیں اور جنت میں داخل کر دیا جائیں۔ الحمدللہ ہمارے مولانا محمد میاں صاحب، اللہ تعالیٰ ان پر اللہ کی رحمت نازل ہو اور جنت سے اللہ تعالیٰ ان کو بلند جنت الفردوس ان کو اللہ تعالیٰ اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ وہ ایسے صالح، ایسے نیک، ایسے اللہ والے تھے کہ میں کیا بیان کروں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام عطا فرمایا تھا، ایسی چیز عطا فرمائی تھی کہ ڈھونڈنے سے ملنا مشکل ہے۔ علم اعتبار سے اللہ نے ان کو بہت بلند کیا تھا، ایسے علم کو ہونا بھی دنیا میں بہت مشکل ہے۔ حضرت ہمارے حضرت مولانا مددی العالی کے ایسے چاہنے والے، آپ کی مدد کرنے والے، لکھنے پڑھنے والے ایسے تھے کہ اللہ اکبر۔ اور میرے ساتھ انتہائی محبت تھی، میں جب میں نے دیکھا ان کو، حضرت سے میں نے بیان بھی کرا، آج میں نے ان کو دیکھا کہ مکہ معظمہ میں بھی ہوں، حضرت مولانا بھی تشریف رکھتے ہیں محمد میاں، میں طواف کر رہا ہوں، بیت اللہ شریف طواف کر رہا ہوں، حضرت مولانا بھی طواف کر رہے ہیں، خواب بیان کرنے کی ضرورت نہیں، مگر یہ بھی بیان کر دی میں نے کہ دیکھا کہ وہ نہا تھا شاس و شاس، اور چہرہ ان کا منور اور لباس ان کا سفید بہت ہی عمدہ خوشیت ہے۔ وہ تو بہت ہی جگہ اعلیٰ درجے پر ہے انشاءاللہ۔ یہ سوچ کر ہم آپ سب صبر کریں کہ اللہ کی مرضی ہی تھی، اللہ کی مرضی پر ہم سب کو راضی رہنا ہے، ہر چھوٹے کو، ہر بڑے کو، ہر جوان کو، ہر بوڑھے کو اللہ کی مرضی پر راضی رہنا ہے۔ یہ دنیا میں چھوٹ جانے والی ہے چند روزہ، یہاں تو کوئی رہا نہیں، کوئی نہیں رہا، کوئی رہے گا؟ یہ زندگی تو فانی ہے، مل جانا ہے، دنیا کے اندر روزہ زندگی کی بہار ہے۔ ہم آخرت کو یاد کریں، ہم کو بھی وہیں جانا ہے، ہم کو بھی ہمیں صالح کرنے کی ضرورت ہے، اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یعنی ہماری زندگی کس طرح گزری اور کس طرح گزر رہی ہے، ہم سچے دل سے تارت ہو کر اللہ کی بندگی میں لگ جائیں، اللہ کی یاد میں رہیں، اللہ کی کتاب کو پڑھیں، اللہ کے ذکر میں رہیں، جو حقیقی زندگی جس کا نام زندگی ہے، زندگی کو اللہ تعالیٰ کے فرماتے اطاعت کا نام ہے۔ یہ زندگی چند روزہ ہے، یہاں کی زندگی کس کام کی؟ ہاں مگر زندگی دی گئی ہے، اگر ہم چاہیں اسی زندگی میں ہم کامیابی حاصل کریں،
अमल करके नेक काम करके ईमान ला करके मन अमल सालिहन मिन ज़करिन अव उनसा वो मोमिन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबा। मर्द होगा तो मुसलमान भी उसके अंदर हो और अमल साले करे नेक काम करे तो अल्लाह करे जरूर बिल्कुल हयात तय्यिबा उसको दुनिया में उसको हयात तय्यिबा नसीब होती है और मरने के बाद कब्र में और बरज़ख में भी और उसका कमाल जो है जन्नत में मिले जन्नत की जहाँ पर ऐसी नेमतें हैं ये अल्लाह को जितना बयान किया गया उस पर ईमान है लेकिन ना कान ने सुना ना आंख ने देखा ना दिल में खतरा गुजरा तो जन्नत में गए। बड़ी खुशी की बात है कि जन्नत अल्लाह तआला ने नसीब फरमाई और हर मोमिन को ऐसी कोशिश करना चाहिए और आमाले साले अख्तियार करना चाहिए अपने गुनाहों से तौबा करना चाहिए अल्लाह के तकदीर पर राजी रहना चाहिए अल्लाह की मर्जी में फना होना चाहिए ताकि अल्लाह राजी हो जाए। बस भाई अल्लाह राजी हो गया तो सब कुछ मिल गया और अल्लाह नाराज होगा सब कुछ गया। इससे बढ़कर कोई खसारा नहीं कोई टूटा घाटा नहीं अल्लाह को राजी कर लिया तो सब कुछ मिल गया। हमको आपको और तमाम मोमिन मोमियात को ये चाहिए कि अल्लाह के राजी करने की हम फिक्र करें अल्लाह की मर्जी पर हम राजी रहें अल्लाह की मर्जी मुताबिक जिंदगी गुजारे। बस जिंदगी का मकसद ही है जो अल्लाह ने दुनिया भेजा और माँ खलकुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून हमने जिन्न और इंस को बनाया था के लिए अपनी आवाज लियअबुदून लियअरफून पहचाने अल्लाह के मार्फत हासिल करें अल्लाह की बंदगी करें। मोहब्बत और मारिफत अल्लाह तआला की बहुत बड़ी नेमत है बहुत बड़ी दौलत है ये उनकी अल्लाह वालों को हासिल मिलती है उनकी पास सोहबत मिलती है। तो भाई हमको और आपको अल्लाह तआला सबको सब्र की तौफीक अता फरमाए और सब्र अज़ीमी अता फरमाए और हमारे मोहतरम को अल्लाह जन्नतुल फिरदौस आला मकाम अता फरमाए। हम तहे दिल से दुआ कर रहे हैं और बहुत मुतासिर हैं कल भी अजीब तहफियत है अजीब है कि मैंने सुना तो मैं अजीब हो गया अजीब आलम जी का हो गया मैं कुछ बयान नहीं कर सकता कि मेरे पर क्या तहफियत गुजरी और अभी तो आप हजरात ने क्या पूछा लेकिन सवाल सब्र के कोई चारा नहीं आप लोग भी सब्र करें हम भी सब्र करूँ और अल्लाह की मर्जी पर आप भी राजी रहें हम लोग भी राजी रहें और उनके साथ यही है कि उनको कोई सारे सवाब करते रहें उनके लिए दुआ करते रहें ये बड़ी बात है। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह उनके साहबजादों को अब्दुल्ला मियाँ को आमिर मियाँ को बिलाल मियाँ को और जितने अजीजा हैं जितने उनके हैं सबको मर्दों को औरतों को बच्चों को अल्लाह ताला सब्र अता फरमाए अल्लाह ताला उनसे नेक काम ले और दीन की खिदमत ले अल्लाह उनसे सबसे राजी हो जाए और महरूम दर्जात को अल्लाह ताला बयान फरमाए और जहाँ फिरदौस को आला मकाम अता फरमाए। इसकी हम दुआ करते हैं और आप सबके लिए हम हमेशा दुआ करते हैं और इस हालात में तो और ज्यादा मुझे दुआ अल्लाह ताला हमारे दिल से दुआ निकलती रहती है कि मैं उसको क्या बयान करूँ। अल्लाह ताला हम सबको आपको तौफीक अता फरमाए कि हम सब्र जमील अल्लाह की मर्जी पर राजी रहें अल्लाह के हुक्म पर राजी रहें अल्लाह की मर्जी पर राजी रहें अल्लाह की याद में लग जाए जब तुझे ज्यादा परेशान घर आए तो दरूद शरीफ पढ़ने लगे दरूद शरीफ की बरकत से कल में कुछ सुकून हासिल होता है अल्लाह के जिक्र से कल में को रहा सुकून अल्लाह के जिक्र में लग जाए इससे अल्लाह कल को सुकून होता है। चंद रोजा जिंदगी आज हो कल हमारी बारी मौत से किसको रुस्तगारी आज हो कल हमारी बारी हमको भी जाना है सबको ही जाना है। बस कोशिश तो इसकी होनी चाहिए कि अल्लाह हम सबसे राजी हो जाए अल्लाह हमको नेक अमल की तौफीक अता फरमाए अल्लाह हमको अपना खास बंदा मुखलिस बंदा बना ले अल्लाह हमको अपनी याद की तौफीक दे और जिक्र की तौफीक दे और शरीयत और सुन्नत के हासिल हमको चलाए और हमको इखलास अता फरमाए अपने याद की तौफीक अता फरमाए। बस इसी की दुआ करना चाहिए जो जिंदगी बाकी तेजबान कोई एतबार नहीं जिसमें अब्दुल्ला ने फरमाया अब्दुल्ला तुम सुबह करो तो शाम को उम्मीद रखो और शाम और सुबह के तो आपको रखो शाम होता है और हम लोग गाफिल हैं गफलत में हमारा ये हाल है कि हमको भूख मौत नहीं याद आती और मौत एक अटल हकीकत है कोई अनुसिंदा अटल मौत तो होना है होकर के रहेगा मगर हाँ कुछ नजीब है वो लोग जो अल्लाह की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं और अमल करते हैं और अमल साले करते हैं इन कानत रहूँ जन्नत से नोला बेशक जो लोग बीमार लाए और मैं सारे की हम अल्लाह का जन्नत फिरदौस में मानी फरमाए अल्लाह ताला हम सबको आपको सबको तौफीक अता फरमाए और अपनी याद में लगाए और जिंदगी कामयाब बनाए हमारी कब्रों को दूर फरमा दे जो जिंदगी गुजरी जो कुछ हमसे खता हुआ हम सब माफी मांग अल्लाह का माफ फरमाए और अल्लाह ताला जो जिंदगी बाकी है हमको आपको सबको अपने उसमें याद की तौफीक अता फरमाए और अपनी इबादत और अपनी बंदगी में लगाए रखे और इखलास के साथ हम उसकी बंदगी करें और मौला हम सबसे राजी हो जाए हमारा खात्मा ईमान पर हो हम मुसलमान जी हैं मुसलमान होकर के मैंने तो फनी मुस्लिम हुआ जितनी विशाल है तब बना तो कब्बल बनाए।